में फर्स्ट एड या सीपीआर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वाइल्ड कार्ड दोस्तों कब यूज होता है, वो माइनिंग वाले उसको प्रेफर करते हैं। इन यू नीड अ ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज की ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर जॉब्स अप्लाई करते हैं, कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर कुछ स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स होती हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द जॉब्स ये ट्रेनिंग रिक्वायर करते हैं। कौन सी ट्रेनिंग है? नंबर वन, आपको दोस्तों इसमें फर्स्ट एड या सीपीआर का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बहुत अच्छी बात है अगर आपने कर रखा है, अगर नहीं किया तो आपको कर लेना चाहिए। दैट्स गोना हेल्प अलॉट जब आप एप्लीकेशन में अप्लाई करेंगे, जॉब एप्लीकेशन जो है वो फिल करेंगे, जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे। सेकंड, आपको जो ट्रेनिंग चाहिए या आपको जो लाइसेंस चाहिए वो है वाइट कार्ड। वाइट कार्ड दोस्तों कब यूज़ होता है? वो कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ होता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर अगर आपने काम करना है तो उसके अंदर सर्टेन ट्रेनिंग्स रिक्वायर्ड होती हैं, और वो ट्रेनिंग्स अगर आप लेते हैं तो वो आपको एक वाइट कार्ड इशू करते हैं जिसका नाम है वाइट कार्ड, और कंस्ट्रक्शन कार्ड भी उसे कहा जाता है। वो आपके कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए यूज़, माइनिंग वाले उसको प्रेफर करते हैं। थर्ड दोस्तों बड़े मज़े की ट्रेनिंग है। आप कहेंगे हमें गाड़ी तो चलानी आती है, लेकिन ये कौन सी ट्रेनिंग है? फोर व्हील्स ड्राइव ट्रेनिंग ऑस्ट्रेलिया में अगर माइनिंग में आपने काम करना है तो वो आपको रिक्वायर्ड होती है। उसकी रीज़न क्या है? बिकॉज आपको माइनिंग साइट्स के ऊपर फोर व्हील ड्राइव ड्राइव करनी पड़ती हैं, और अगर आपके पास उसकी ट्रेनिंग नहीं है तो द एम्प्लॉयर वॉन्ट बी हैप्पी टू गिव यू। कुछ दे भी देते हैं, कुछ नहीं देते, लेकिन द मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स आस्क फॉर फोर व्हील ड्राइविंग। अब 350-400 डॉलर की होती है, पर से भी होती है, डिफरेंट जगह से होती है। वो फोर व्हील ड्राइविंग आप करेंगे, ट्रेनिंग कुछ दिनों की होती है, उसके बाद आपको एक वो सर्टिफिकेट दे देंगे, देन वो एक्सेप्ट किया जाता है। एम्प्लॉयर्स हैप्पी भी होते हैं, उसको रीइंबर्स करने के कॉस्ट आप खुद भी अगर आपको करनी पड़े तो वो होती है। उसके बाद दोस्तों आपको फिजिकली फिट होना और मेडिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर्स आपका मेडिकल टेस्ट करवाते हैं प्रायर टू टेकिंग यू ऑन बोर्ड, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद एक बड़ी मज़े की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो ये है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अब लोग कहेंगे हमारे पास लाइसेंस तो इंटरनेशनल होता है, लेकिन यू नीड अ ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस। ऑस्ट्रेलियन ड्राइवर्स फुल लाइसेंस आपको चाहिए होता है माइनिंग पे काम करने के लिए। अब उसमें आगे उन्होंने एक और शर्त रखी है कि वो मैनुअल होना चाहिए। मैनुअल क्यों होना चाहिए? बिकॉज आपको जो गाड़ियाँ ड्राइव करनी पड़ती हैं माइन साइट्स के ऊपर, वो मैनुअल होती हैं, तो दे आस्क यू फॉर द मैनुअल ड्राइविंग लाइसेंस। इवन आई माई सेल्फ एट वन टाइम कंपनी वॉज सेंडिंग मी फॉर अ जॉब अप इन माइनिंग, और मुझे उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी कि हमारे पास मैनुअल लाइसेंस। मैंने कहा मेरे पास मैनुअल लाइसेंस नहीं है। देन दे सेड सॉरी वी कैन नॉट सेंड यू बिकॉज यू डोंट हैव अ मैनुअल लाइसेंस। तो दोस्तों ये थोड़ी सी ट्रेनिंग थी, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आपके पास ये आपकी CV में एडिशन हो, ऐड हो, तो आपकी CV आउट ऑफ द क्राउड जो है वो सेपरेट अपने आप को प्रेजेंट करती है, यूनिक होती है कि इस बंदे के पास ये चीज़ें हैं और इसके पास नहीं है। तो आई होप कि आप इन चीज़ों को कर लेंगे। अगर आपकी कल जॉब हो तो आपको इन चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, अगर आपको पहले से पता होगा तो इट्स गोना हेल्प यू मोर। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टुडे एंड कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू।